अलवर जिले के भिवाड़ी के क्रिसोरा सोसाइटी में एक 75 साल के बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी, तो वहीं बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद अपना खुद का भी गला रेत लिया, जिसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दंपति तिजारा विधानसभा के कमालपुर गांव निवासी थे और भिवाड़ी में अपने बेटे के साथ रह रहे थे, तो वहीं पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। पिछहत्तर साल के पति ने 66 साल की अपनी पत्नी की गला रेत कर यहां पर हत्या कर दी। भिवाड़ी से आपको खबर बता रहे हैं, आपसी झगड़ा इस घटना का फिलहाल कारण बताया जा रहा है। अपनी पत्नी की हत्या के बाद में अपना खुद का भी गला रेत लिया और उसके बाद में इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। बेहद विभत्स और असमंजस में डालने वाली ये पूरी घटनाक्रम है। एक बुजुर्ग दंपति के बीच में झगड़ा फिलहाल इस घटना का पीछे जो मुख्य कारण है उसे बताया जा रहा है। आपसी झगड़े के चलते एक 75 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए अलवर से वन संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, काफी ज्यादा अजीब ही पूरा मामला रहा। 75 वर्षीय एक बुजुर्ग ने अपनी ही पत्नी की हत्या करके अपने आप को भी मार लिया, क्या ये पूरा मामला रहा चंद्रशेखर? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि भिवाड़ी का मामला है और ये घरेलू कलेश का मामला है, क्योंकि बुजुर्ग दंपति ने आपस में झगड़ा किया था देर रात को और बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को पहले चाकू से हमला कर वार किया और जब बुजुर्ग को लगा कि ये मर चुकी है तो उसने स्वयं ने भी अपने गले पर चाकू से वार किया। घटना की सूचना के बाद क्योंकि ये फ्लैट में रहते थे और आसपास के लोगों ने जब चीख की आवाज आई तो पहुंचे और इनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जिस दौरान ये हादसा हुआ उस दौरान मृतक के बच्चे कहीं बाहर गए हुए थे और बताया ये जा रहा है कि प्रथम दृष्टि की कोई मुकदमा बेटे पर लगा हुआ था दहेज का, उससे दोनों पति पत्नी परेशान थे और मृतक वृद्ध है जो फौज में था और कई दिनों से अवसाद में था, इसी कारण ये घटनाक्रम हुआ। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर।